आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के बारे में पता नहीं है, इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन 7 अजूबों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा बनाई गई थी, जिसे बाद में धीरे धीरे करके जोड़ दिया गया था। यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे आंतरिक से भी देखा जा सकता है। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। यह दीवार पूर्वी चीन से लेकर पश्चिम चीन तक फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है, वहीं इसकी ऊंचाई करीब 35 फीट है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो इस दीवार पर 10 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं। इस दीवार को बनाने में उस समय मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट आदि का प्रयोग किया गया था। माना जाता है कि इस दीवार के निर्माण में करीब 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था। नंबर 2, चिचेन इट्जा। यह जगह मेक्सिको में है। चिचेन इट्जा मेक्सिको का प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मायान मंदिर है, जिसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको बता दें कि यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह मंदिर पिरामिड की आकृति का है। इसकी ऊंचाई 79 फीट है। इसके ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई है। इसकी हर दिशा में 91 सीढ़ियां हैं। इस तरह कुल मिला के इसमें 365 सीढ़ियां हैं, जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक है। चिचेन इट्जा माया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या भी काफी अधिक है। नंबर 3, पेट्रा। पेट्रा जॉर्डन के मान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई इमारतों के लिए जानी जाती है। इस नगरी में आपको पत्थरों से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारतें देखने को मिल जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। वहीं आज के समय की बात करें तो आज ये शहर मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही यह नगरी विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। नंबर 4, मचू पिच्चू, पेरू। दुनिया के अजूबे में शामिल मचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां कोलंबस पूर्व युग इनका सभ्यता रहा करती थी। समुद्र तल से इस ऐतिहासिक स्थल की ऊंचाई 2430 मीटर है। अब सोचने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पर लोग कैसे रहा करते थे। यह जगह कुछको से 80 किलोमीटर यानी कि 50 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। शोधकर्ताओं के अनुसार माना जाता है कि इसका निर्माण 1400 के आसपास राजा पंचाकृति ने करवाया था। हालांकि बाद में इस स्थान पर स्पेन ने विजय प्राप्त की थी और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद यहां की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई थी। लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हीरम बिंगम ने इसकी खोज की थी और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया गया था। नंबर 5, क्रिस्टेदार रेडिमीर स्टेच्यू। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकबाड़ी पर्वत की चोटी पर स्थित है। आपको बता दें कि इस मूर्ति का बेस यानी कि आधार 31 फीट है, जिसे मिलाकर इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट बनती है। वहीं इसकी चौड़ाई 98 फीट है। इसका वजन लगभग 635 टन है। माना जाता है इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। यह प्रतिमा मजबूत कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है। इस मूर्ति का डिजाइन ब्राजील के सिल्वा कास्टा ने किया था। फ्रेंच के महान मूर्तिकार लेंदोस्की ने इसे बनाकर तैयार किया था। नंबर 6, द रोमन कोलिजियम। यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है, जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70वीं से 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ में किया था और 80 ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। यह विश्व की बहुत पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसी ही है। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनाया गया था। अपनी विशालता के कारण यह दुनिया के 7 अजूबे में शामिल है। नंबर 7, ताजमहल।
भारत के आगरा में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। आपको बता दें कि इस ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। खूबसूरती और कलाकारी के नमूने ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। इसे बनने में करीब 15 साल का समय लगा था। इस ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर से सफेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया था। सफेद संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफेद है। इसके चारों ओर बगीचा बना हुआ है। इसे देखने के लिए देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। वैसे सच कहा जाए तो ताजमहल की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।